हेलो डियर स्टूडेंट्स, ए वॉर्म वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। इन द प्रीवियस वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड क्लॉज, इट्स टाइप्स, एडजेक्टिव क्लॉज एंड नाउन क्लॉज ऑल्सो। इन आवर टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस एडवर्ब क्लॉज, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्लॉज। सो डियर स्टूडेंट्स, बी वेरी वेरी अटेंटिव इन आवर टुडेज लेक्चर। एडवर्ब क्लॉज, जैसा हम नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज को डिस्कस किया था कि एडजेक्टिव क्लॉज एक सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करता है, नाउन क्लॉज नाउन का काम करता है। सिमिलरली एडवर्ब क्लॉज भी एडवर्ब का ही काम करता है। एन एडवर्ब क्लॉज एक्ट्स एज एन एडवर्ब इन ए सेंटेंस। पहले हमें ये समझना होगा कि एडवर्ब क्या होता है। कुछ बच्चे एडवर्ब समझने में गलती कर देते हैं और वो गलती ये करते हैं कि एडवर्ब को क्वालिफाइंग वर्ड फॉर वर्ब ही मानते हैं, यानी कि एक ऐसा शब्द जो केवल वर्ब को क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब कहलाता है, ऐसा बच्चे मानते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, एडवर्ब एक वर्ब को ही क्वालिफाई नहीं करता, बल्कि ये वर्ब के साथ साथ एक एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। यानी एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। इस सेंटेंस में देखिए, द हॉर्स रन्स फास्ट। हेयर फास्ट इज एन एडवर्ब। द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट। ऊपर वाले सेंटेंस में फास्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है? सिर्फ वर्ब रन को कर रहा है। इन द सेकेंड सेंटेंस वेरी फास्ट, वेरी जो है यहाँ पर एक एडवर्ब है और फास्ट भी एडवर्ब है, तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। इन द लास्ट एंड थर्ड सेंटेंस ही इज वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ पर वेरी जो है वो एडवर्ब है और इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस में एडवर्ब एक एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर रहा है। इस प्रकार से हमने देखा कि एक एडवर्ब जो होता है वो एक एडजेक्टिव को, वर्ब को और अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज 9 टाइप्स से काम करता है। इसके टाइप्स की बात है जहां तक, तो ये 9 टाइप्स का होता है। फर्स्ट टाइप देखिए, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। इट टेल्स द टाइम ऑफ एन एक्शन और वर्ब। किसी भी वर्ब या एक्शन का टाइम बताता है ये। इसके जो मेन कंजंक्शंस होते हैं जिससे सेंटेंस की बिगिनिंग होती है, उसमें बिफोर, आफ्टर, टिल, वेन, वेन एवर, सिंस और वाइल होते हैं। ये टाइम शोइंग एक्सप्रेशंस होती हैं जो एडवर्ब्स होती हैं, और इनसे मिलके ही एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम बनता है। फॉर एग्जांपल, आई गेट अप बिफोर द सन राइजेज। तो मैं उठ जाता हूँ किससे पहले? सूर्य उदय होने से पहले। तो टाइम बता दिया, सूर्य होने से पहले ही मैं उठ जाता हूँ।
वेट हेयर टिल योर फादर कम्स, इंतज़ार करिए कब तक, जब तक आपके पापा जी आते हैं। फादर कम्स, तो इंतज़ार करने का टाइम कब तक का है, जब तक कि आपके पापा आते हैं। आई शैल नॉट गो आउट अंटिल माई मदर रिटर्न्स, जब तक मेरी माँ नहीं आती है मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो यहाँ बाहर जाने का टाइम कब तक का है, जब तक मेरी माँ नहीं आ जाती है। आई कंप्लीटेड माई होमवर्क व्हेन द बेल रैंग, मैंने अपना काम कर लिया था जब घंटी बजी थी। तो काम करने का जो टाइम था वो कब था, घंटी बजने के साथ का। आई शैल रिटर्न इट व्हेन एवर यू नीड, मैं इसे लौटा दूंगा जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़े। तो समय कब का है, ज़रूरत पड़ने का है। तो रिटर्न कब होगा, रिटर्न का टाइम वो है जब तुझे ज़रूरत होगी। तो इस प्रकार से फर्स्ट जो एडवर्ब क्लॉज है, दैट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। नंबर टू इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। जैसे पिछले टाइप में हमने देखा कि एडवर्ब क्लॉज किसका काम कर रहा है, टाइप टाइम का काम कर रहा है, तो यहाँ पर किसका काम करेगा, प्लेस का। द क्लॉज टेल्स अबाउट द प्लेस ऑफ एन एक्शन और वर्ब। ये एक्शन या वर्ब का एक समय बताते हैं, तो वो टाइम कहलाता है। और जब ये प्लेस बताता है तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस कहलाता है। जैसे देखिए इसके जो इम्पोर्टेंट कंजंक्शंस हैं, वेयर, वेन एवर, वेंस। वेंस मीन्स फ्रॉम वेयर। दिस इज द रूम वेयर आई लिव्ड इन, ये वो कमरा है जिसमें मैं रहता था। राजकुमार शुक्ला फॉलोड गांधी जी वे एवर ही वेंट, दिस इज द स्कूल वे आई गॉट माई एलिमेंट्री एजुकेशन। थर्ड इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, ये क्या बताता है हमें, कोई एडवर्ब ऐसे जो कंडीशन दिखाते हों, जैसे इफ, अनलेस एंड इन केस एट्सेट्रा। यू कैन पास दिस ईयर, पास होने की शर्त है क्या, इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो आपके पास होने की कंडीशन है हार्ड वर्क। आई शैल गो इफ ही इनवाइट्स, मैं जाऊंगा यदि वह बुलाता है। तो इफ ही इनवाइट्स, यदि वह बुलाता है, ये कंडीशन है मेरे जाने की, इसलिए दिस इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। एक अंटिल और अनलेस का यही फर्क होता है। अंटिल इज अ टाइम शोइंग एडवर्ब, वाइल अनलेस इज अ कंडीशन शोइंग एडवर्ब। कि यू कैन नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, तुम तब तक पास नहीं हो सकते जब तक कठिन परिश्रम नहीं करते। तो कठिन परिश्रम करना ही आपकी कंडीशन है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, फोर्थ टाइप, ये हमें वर्ब का रीज़न बताता है कि ये क्यों हुआ ऐसा। बिकॉज, एज, सिंस, ये इसके मेन कंजंक्शंस होते हैं। आई एम हैप्पी बिकॉज आई हैव वन अ लॉटरी, तो मैं खुश हूँ, और खुश होने का मेरा कारण क्या है, क्योंकि मैंने लॉटरी जीती है। ही इज सैड, वह उदास है। एज ही हैज़ लॉस्ट हिज लवली डॉग, ही इज सैड, वह उदास है। उसके उदास होने का कारण क्या बना, उसका डॉग गुम होना। एज द कैट इज अवे द माइस विल एंजॉय। तो
तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस टाइप नंबर 5। ये एक एक्शन का या वर्ब का पर्पस बताता है, उद्देश्य बताता है। इसके मेन कंजंक्शंस जो होते हैं सो दैट, लेस्ट, इन ऑर्डर दैट, सो एज, इन ऑर्डर टू। वी वर्क हार्ड सो दैट वी मे गेट सक्सेस, रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाए। तो क्या करना है अपने, फास्ट चलना है। तो फास्ट चलने का उद्देश्य क्या है, ट्रेन मिस ना होना या ट्रेन को कैच करना। ही वर्क्स हार्ड सो एज टू पास इन द एग्जामिनेशंस, वह पास होने के लिए क्या करता है, वर्क हार्ड करता है। तो वर्क हार्ड करने का पर्पस है पास होना एग्जाम में। नंबर 6, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, किसी क्लॉज का परिणाम बताता है ये वर्ब का। इसके जो कंजंक्शंस होते हैं सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट होता है, या फिर सो दैट इकट्ठा होता है। ही इज सो पुअर, हियर सो इज अ कंजंक्शन पुअर, यहाँ पर एडजेक्टिव है, फिर दैट का प्रयोग है। ही कैन नॉट बाय अ का, वो इतना पुअर है, और इतने पुअर होने का रिजल्ट ये है कि वो कार नहीं खरीद सकता। शी स्पॉक सो स्लोली, वो इतना धीमे से बोली कि आई कैन नॉट हियर हर, मैं उसे सुन नहीं सकता। तो हियर, मैं नहीं सुन सकता, ये रिजल्ट निकला है किसका, उसके स्लो बोलने का। एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, तरीका कैसे, हाउ एन एक्शन इज डन, कि काम कैसे होता है। इसके जो मेन कंजंक्शंस होते हैं एज इफ, एज, लाइक, एज दो। ही वॉक्स एज इफ ही वर एन एक्टर, वो ऐसे चलता है जैसे मानो कि एक एक्टर चलता है फिल्मों का। डू दिस एज यू आर आस्क्ड, ऐसे ही करो जैसे आपको कहा गया है। ही क्राइड एज दो ही वॉज रुइंड, वह चिल्लाया कैसे, जैसे कि वो बर्बाद हो गया हो। तो कैसे, जैसे, लाइक, एज, एज इफ, एज दो, ये सारे हमें एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर बताते हैं। 8 टाइप एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन मींस तुलना। ये तुलना बताता है एज ब्लैंक स्पेस, यानी उसमें कोई एडजेक्टिव मिल जाएगा, फिर उसका एज फिर प्रयोग होगा, एज ब्लैंक स्पेस, एज सो ब्लैंक स्पेस, एज या देन। देन मीन्स की अपेक्षा। ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर इज, वह इतना ही इंटेलिजेंट है जितना उसकी बहन है। तो एज इंटेलिजेंट एज हमें बताता है कंपेरिजन किसका, उसकी सिस्टर का और उसका। आई कैन डू इट बेटर देन यू, मैं ये तुम्हारे से अच्छा कर सकता हूँ। तो तुलना हो गई मेरे में और तुम्हारे बीच में। सो स्ट्रॉन्ग एज हिज ब्रदर, वह इतना स्ट्रांग नहीं है जितना उसका भाई है। तो उसके भाई और उसके बीच में तुलना हो गई है। दिस इज नॉन एज एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपेरिजन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट या कंसेशन, कंट्रास्ट क्या होता है, जब हम किसी बात का विरोध दिखाते हैं साथ के साथ, विरोधाभास इसे बोलते हैं। कंजंक्शंस इसके होते हैं दो, हालांकि, ऑल्दो, व्हाइल, इवन दो, हाउएवर, येट। दो ही इज रिच ही इज डिसऑनेस्ट, देखो वो अमीर है लेकिन क्या है, बेईमान है। होना क्या चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, लेकिन है कैसा, डिसऑनेस्ट, इसलिए यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट है। ही कुड नॉट वर्क हार्ड हाउ एवर ही पास्ड, हालांकि उसने परिश्रम कठिन नहीं किया फिर भी पास हो गया,
यानी कठिन परिश्रम नहीं किया, फेल होना चाहिए था, विरोधाभास आ गया कि वो पास हो गया। सो दिस इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, हालांकि गरीब है फिर भी क्या है, ईमानदार है। गरीब है फिर भी ईमानदार है, बेईमान नहीं है, इसलिए ये क्या है, कॉन्ट्रास्ट है। सो दिस टाइप इज नॉन एज एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट और कंसेशन। दीज आर द 9 टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज, एंड टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड एडवर्ब क्लॉज, व्हाट इज एडवर्ब, व्हाट इज एडवर्ब क्लॉज, व्हाट आर इट्स मेन टाइप्स एंड व्हाट आर इट्स एग्जाम्पल्स। थ्रू ऑल एग्जाम्पल्स एंड कंजंक्शंस यूज्ड इन वेरियस कंडीशंस इन वेरियस टाइप्स वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट एडवर्ब क्लॉज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होंगी, एडवर्ब क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज के टाइप्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।